दोस्तों, ये है 2021 बैच के एक IAS ऑफिसर जो कि तेलुगु से बिलोंग करते हैं। तो आज इस वीडियो में इनके जुड़ी कुछ ऐसे से अनजानी बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। अगर आप भी UPSC का प्रवेश करना चाहते हैं और UPSC में बढ़िया रैंक हासिल करना चाहते हैं तो जीत और मेहनत कीजिएगा और इस वीडियो आप जरूर से देखिए, कुछ मोटिवेशनल के काम पे आ जाएंगे आप। दोस्तों, ये है IAS ऑफिसर आकाश कुमार रेड्डी है। इन्होंने कुरनूल डिस्ट्रिक्ट विलेज कालूगोडला से बिलोंग करते हैं। उनके फादर प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर और उनके मदर फार्मासिस्ट और हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आकाश कुमार रेड्डी ने मंडला परिषद प्राइमरी स्कूल जहाँ पर उनके पापा हेडमास्टर थे उसी स्कूल से 5 तक पढ़ाई की है। उसके बाद 6-10 उन्होंने जवाहर नवोदया विद्यालय से कंप्लीट किए थे। उसके बाद 10वीं में उन्होंने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट चुन के उन्होंने श्री चैतन्य कॉलेज विजयवाड़ा से उन्होंने कॉलेज की डिग्री हासिल करके एक गोल्ड मेडलिस्ट की डिग्री भी हासिल कर लिए थे। उसके बाद उन्होंने M.Tech करने के लिए IIT दिल्ली में चले गए थे और वहाँ से उनको एक जॉब भी लग गया था इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, जहाँ पर उनको 90,000 रुपया भी सैलरी दिया जा रही थी। उनके लगा इसमें उनको करियर नहीं बनाएंगे। इन्होंने UPSC का प्रयास किया और साल 2020 साल में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 93 रैंक से सिलेक्ट हो गए थे। उसके बावजूद उनकी इच्छाएं थे वो एक IAS बनने का, इसलिए उन्होंने दोबारा से 2021 साल में दोबारा से UPSC का प्रयास करके एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 15वीं रैंक हासिल करके पूरा तेलुगु और उनके परिवार के नाम रोशन कर दिया है। चलिए दोस्तों, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।